बड़ा कम होली का। और यहाँ के बहुत बहुत बड़ी भीड़ है, उत्साह है। कहाँ से हो आप? सबसे पहले हम खिलाड़ी नंबर वन से जाना चाहते हैं। गांगवली गांव की टीम खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा जत्था है, कितना अच्छा जत्था। आप देख रहे हैं कितनी दर्शक, कितना बढ़िया मंजा रहा। आप देख रहे हैं कितना अच्छा मंजा रहा। देखना कितनी जा सकते हैं हमारे यहाँ। काफ़ी माहौल अच्छा, काफ़ी माहौल अच्छा, काफ़ी माहौल का दर्शक है। काफ़ी देख रहा कितनी भीड़ है, कितना अच्छा नज़ारा है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा माहौल है। आशा रानी है क्रिकेट टाई कमांडो कोच अरुण क्रिकेटर प्लेयर है। और ये दूसरा है, दूसरे का नाम है सुखविंदर क्रिकेट प्लेयर है। और ये अक्षय कुमार क्रिकेट प्लेयर है। साहिल जामणी नेशनल कोच कबड्डी। और ये तीसरा सचिन कबड्डी प्लेयर, सूरज कबड्डी प्लेयर, साहिल कबड्डी प्लेयर, रोहित कबड्डी प्लेयर, राजू कबड्डी प्लेयर। इन पूरी टीम का है ये साहिल जामणी कोच है। साहिल जामणी कोच है पूरी टीम का, खिलाड़ी कोच है इनका। इन्होंने टीम का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। ये क्या जाएगी कैमरामैन चाहूँगा कि खुशी का माहौल है, नज़ारा दिखाएं इनको। ये काफ़ी दर्शक का काफ़ी उत्साह है, इतना अच्छा नज़ारा है। सभी हमारी टीम नेशनल लेवल खेल के यहाँ आई है। हमारी पोजीशन सेकेंडरी है। हमारा गांव गांगोली में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत किया गया है। मेरा भाई अक्षय आज गोल्ड मेडल ला, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। वो आज एक बार स्टेट लेवल पर जीता, जो नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल उदयपुर से जीत कर आए हैं वो। उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँ, कोच साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से, धन्यवाद। कंचन टीवी न्यूज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कंचन टीवी न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। जो कंचन टीवी की टीम सिद्धों से पहुंची आपके गांव गाँव मोहल्ले में, आप उसका उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कंचन टीवी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लिए उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ कड़क धूप में हमारे साथ बने रहे और हमारी सारी खबरों को लाइव टेलीविज़न पर या टीवी पर दिखाया। सबसे पहले मैं कंचन टीवी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इलेक्शन के समय में खिलाड़ियों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे यहाँ पे पहुँचे। मैं अपने खिलाड़ियों व टीम की तरफ से तहे दिल से कंचन टीवी का धन्यवाद करता हूँ। हम पहले स्टेट लेवल पे गए। स्टेट लेवल पर हमारा पहला मैच फाइनल मैच कैथल वर्सेस जींद के बीच हुआ, जिसमें हमारी कबड्डी की टीम ने 40-42 दो अंकों के मार्जिन से हम हार गए। लेकिन हमें हौसला था कि हम नेशनल लेवल पे जाके कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद हमारी क्रिकेट की टीम ने कैथल की टीम को 4 विकेट से हरा कर गोल्ड पर कब्जा किया। उसके बाद हमारे बच्चों का सिलेक्शन नेशनल लेवल पर हुआ। हमारे यहाँ से गांगोली गांव से 5 बच्चे कबड्डी में और 3 बच्चे क्रिकेट में गए, जिसमें खुद मैं भी अंडर-19 प्लेयर बनके अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए खेला। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि नेशनल लेवल पर हमारा फाइनल मैच है दिल्ली वर्सेज हरियाणा के बीच क्रिकेट का, जिसमें हमने दिल्ली को 4 विकेट से हरा कर गोल्ड पर कब्जा किया। उसके बाद हमारा कबड्डी का मैच है दिल्ली वर्सेज हरियाणा के बीच हुआ, जिसमें हम 44-40 से हार गए, जिसकी कुछ कमियां रही। उन कमियों को हम आगे आने वाले समय सुधार कर और हमारे प्रदेश के लिए गोल्ड जीतने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी, हमारी सरकार हमारे साथ नहीं दे रही, हमारा जो समाज है हमारा साथ नहीं दे रहा। जिस प्रकार मैं खुद खेलता भी और साथ में खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे खेल आज का जो मेरा समय मेरी खेलने की ज़िंदगी है। लेकिन मुझे ये कदम इसलिए उठाना पड़ा, मैंने अपना ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि जो यहाँ के संस्था है, क्योंकि यहाँ के जो सरकारी अधिकारी है वो बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैंने खुद अंडर-19 में प्लेयर हूँ, मैं अंडर-19 में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मैंने प्राप्त किया है। उसके बाद मैंने ये ठोस कदम इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता बच्चे की तरफ। यहाँ पे ना तो कोई स्टेडियम है, मेरा पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में जब से मैंने जन्म लिया आज तक मैंने ना तो यहाँ पर कोई स्टेडियम देखा। स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, केवल जो टीचर आते हैं अपना
आते हैं, चले जाते हैं, कान के फोन लगाए रहते हैं, नशा धूम्रपान करते हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। हमने कई बार सरकार को नोटिस जारी किए, भाई हमारे यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाए। जो हमारे सांसद रमेश कौशिक जी हैं, वो एक बार वोट मांगने ज़रूर आए थे कि भाई आप हमें जिताइए, मोदी जी को जिताइए, हम आपके लिए स्टेडियम बनवाएंगे, अच्छा स्कूल बनवाएंगे। लेकिन 5 साल के बाद भाई वो एक बार भी हमारे गांगोली गांव, जामनी गांव, कहीं पे भी हमने उसको देखा नहीं।